नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में हम सीआरपीसी की धारा 133 के बारे में जानेंगे और इस धारा के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को क्या पावर दी गई है और आप किस कंडीशन में आप 133 का उपयोग कर सकते हैं और इसके रिवीजन के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको बॉडी वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो साथियों, हम शुरू करते हैं कि 133 में क्या क्या पावर दिया गया है एसडीएम को। तो आपने कई बार अक्सर ऐसा देखा होगा कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ पे आप आसपास के लोगों की कुछ एक्टिविटीज़ है या फिर कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि आपके साथ साथ और भी लोगों को मोहल्ले में परेशानी होती है जो आपके स्वास्थ्य को या फिर आपकी जो लिविंग कंडीशन है उसको अफेक्ट करता है। तो 133 के बारे में यही बताया गया है कि किस किस कंडीशन में आप अप्रोच कर सकते हैं एसडीएम के पास। इसमें पहली कंडीशन जो बताई गई है, अगर कोई पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस जो कि आपके द्वारा उपयोग किया जा रहा है, आपके साथ साथ अन्य लोगों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति, आपकी कोई भी रोड हो सकता है, कोई भी नदी तालाब कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति उसको विधि विरुद्ध तरीके से उसको रोक रहा है या फिर वहाँ पर कुछ ऐसी ड्यूटी कर रहा है जिससे कि आपको उस जगह का उपयोग करने में दिक्कत हो रही है, कोई पब्लिक प्लेस है जो कि आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एसडीएम के यहाँ अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि अपने आसपास की कुछ एक्टिविटीज़ हमें दिक्कत होती है, जैसे आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पे आसपास कोई प्लांट लगा है या फिर किसी ने फैक्ट्री का निर्माण किया है वहाँ पे, और जिसकी वजह से वहाँ की शोरगुल से या फिर वहाँ के एयर पोल्यूशन से या फिर वाटर पोल्यूशन से आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही हो जिससे आपके साथ साथ आपके और भी जो मोहल्लेवासी हैं उनका जीना मुश्किल हो गया हो और वो लोग असुविधा महसूस कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आप एसडीएम के पास अप्रोच कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भवन का निर्माण कर रहा है, किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, और वह व्यक्ति वहाँ पे कोई विस्फोटक सामग्री या फिर कोई ऐसी चीज़ का उपयोग कर रहा है जिससे आसपास आग लगने का डर हो या फिर ऐसे कोई विस्फोट का डर हो या फिर कोई ऐसी संभावना हो जिसे जनधन की हानि हो सकती है, तो आप उस कंडीशन में एसडीएम के पास अप्रोच कर सकते हैं और 133 का आवेदन दे सकते हैं। अगली कंडीशन जो बताई गई है इस धारा के अंतर्गत, कई बार हम देखते हैं हम जिस जगह से निकलते हैं जो कि पब्लिक रोड है तो वहाँ पे आसपास कुछ ऐसी बिल्डिंग होती हैं, हो सकता है वो सरकारी बिल्डिंग हो या प्राइवेट बिल्डिंग हो, जो काफ़ी पुरानी 100-150 साल पुरानी होती हैं और वहाँ पे कोई नहीं रहता है, कुछ लोग रह रहे होते हैं, उसकी अवस्था को देख ऐसा लगता है कि वह बिल्डिंग कभी भी किसी भी कंडीशन पे गिर सकती है, और या फिर हो सकता है कोई पेड़ हो, बहुत पुराना पेड़ हो, फिर और भी कोई ऐसा निर्माण किया गया हो, कोई मशीनरी बहुत ज़्यादा ऐसी कोई खड़ी हो, बहुत पुराने जर्जर अवस्था में हो, कि जिससे कि वो आने वाले समय में वह बिल्डिंग मशीनरी या फिर भवन कभी भी किसी अवस्था में गिर सकता है, और जो लोग वहाँ से जो पब्लिक प्लेस है उसको उपयोग करते हैं उनको असुविधा हो सकती है, उनकी जान जा सकती है, उनको नुकसान पहुंच सकता है, तो उस कंडीशन में आप एसडीएम को अप्रोच कर सकते हैं। तीसरा है, अगर कोई भी लोक स्थान है, पब्लिक प्लेस है और वहाँ पे जैसे कोई तालाब है, नदी है या फिर कोई बोरवेल है जो कि प्रॉपरली सही तरीके से उसको फेंसिंग नहीं किया गया है, हम लोग अक्सर देखते हैं कई बार रोड के बगल में ही कुएं का निर्माण कुछ लोग कर देते हैं या फिर रोड के पास में ही बोरवेल वहाँ पे वो लोग खुदवा देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है वहाँ पे या तो बच्चे जाके गिर सकते हैं या फिर अगर कुआं है तो कई बार जो पब्लिक प्लेस जो यूज करते हैं उनको भी जानकारी नहीं होती और वो भी जाके वहाँ पे गिर सकते हैं, तो उसकी शिकायत हम एसडीएम क्या कर सकते हैं कि इस बोरवेल को या फिर जो कुआं का निर्माण किया गया उसको प्रॉपरली फेंसिंग किया जाए ताकि लोगों को नुकसान ना हो। इसका अगला पॉइंट है कि कई बार हमारे रिहायशी इलाके में कुछ जानवर या फिर जीव जंतु होते हैं, जैसे आपने जंगली सुअर के बारे में अक्सर सुना होगा कि वह अक्सर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर और भी कुछ जंगली जानवर हैं जो आपके इलाके में घुस जाते हैं और जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपको नुकसान पहुँचा सकता है या फिर आपको आपकी जान जा सकती है, उसके द्वारा अटैक किया जा सकता है, तो भी आप एसडीएम को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, वन विभाग नहीं सुन रहा है या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं सुन रहा है, तो आप एसडीएम को अप्रोच कर सकते हैं। उस एरिया का जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए मैं एसडीएम या एसडीओ वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये अलग अलग जगह पर अलग अलग
तरीके से इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो अमूमन जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है वो एसडीएम को ही दी जाती है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे कुछ अलग नियम भी होते हैं, इसलिए मैं एसडीएम वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, एसडीएम के लिए बता रहा हूँ। तो आप एसडीएम के लिए एसडीएम के पास अप्रोच कर सकते हैं अगर कोई जीव जंतु या फिर कोई भयानक प्राणी है जो हमला कर सकता है आपके रिहायशी इलाके में आ गया। तो साथियों ये कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन में आप एसडीएम को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर एसडीएम ने आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दिया है धारा 133 के अंतर्गत, तो इस मामले में सिविल कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वह उस पर लगा सकता है। हाँ, इस कंडीशन में आप रिविजन के लिए जा सकते हैं। इस कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को पावर दी गई है सीआरपीसी की धारा 399 के अंतर्गत। अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी जजमेंट पास किया जा रहा है तो आप उसके रिविजन के लिए आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो साथियों ये था, हमने जाना 133 के बारे में। आपको भी वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर इससे संबंधित कुछ और भी आपके सवाल हैं, अगर आपको कुछ और भी सुविधा हो रही है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको मेरा मेल आईडी भी दिखेगा, उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।